कुछ इश्यूज हो गए अभी आते टाइम, पर सॉर्ट कर लिए। अच्छे कॉन्टेक्ट होने के कारण, अभी नाम होने के कारण निकाल लिया हमने इशू भी, पर मेरे कुछ सामान रह गया गुजरात पुलिस के पास, इम्पोर्टेंट। गाइस, स्वागत है आपके नए ब्लॉग में। तो काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आ रहा है और ब्लॉग कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज आ रहे हैं सुमित, पीयूष और अंकित मुंबई। पहुँच गए स्टेशन पर, लेने जा रहा हूँ उनको, कल्याण उतर गए, कुल्ला आ गए। पूरी स्टोरी आपको रास्ते में बताता हूँ, भी निकलते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी ना छुट्टी आ गई थी, तो मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने सबको बुला लिया यहाँ पे, और फाइनली आ रहे हैं। मैं उनका वेट कर रहा हूँ कुल्ला स्टेशन पे। गाइस आ गए लौंडे, गाइस अब कहाँ चलना है? मैं भी अभी उठाऊँ, दो बजे सो गए पंजाबी इंडी कॉलेज कर दी सुबह सुबह। क्या गाड़ी वगदी पिक से लड़की एक औरत से बैग निकाल रही थी वो, पर चल 8 में चल, अरे वो आ गई, चल 8 में टिकट ले लिया ना तुम। क्या बोला वो? गाइस लौंडे आ गए और बैग उठवा रहे हैं। फिर से बताओ पीयूष कैसा रहा मुंबई लेके का होटल? सही होता पर नहीं, स्लिप डेस्क में एक्सपीरियंस कैसा? एक दो डिस्क और ऊपर नीचे हो गई होगी, इंजेक्शन लगा है अब देख तू। अरे वहां थाने में तो जान का नहीं भाई, इसमें तो मजा आ गया था। इसमें कहाँ से होगा भाई, कितने पैसे वाले नहीं होंगे होगा कम से कम 30,000 किराया होगा भाई, आराम से। मत देना मेरे को यार। हाँ भाई रेडी है देने के लिए भाई। 30,000 रेडी भाई? बॉडी दिखा भाई। बॉडी है ही नहीं। दिखा भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मैं बार बार बस बोलूँ स्टेप डिस्क के सब बंद है 6 महीने से। घर से निकल के मोनोस जाएंगे वडाला, वडाला से फिर लेंगे टैक्सी। टिकट कंफर्म हो गए हमारे गाइस, जब मुंबई के मोनो रेल में महिला सफ़र करने वाले हैं, सुन ज़रा, और जा रहे हैं दमन, आने वाला मज़ा बहुत भयंकर। ठीक है पीयूष भाई, मज़ा दिलाना, मैं तो वही चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मुंबई सेंट्रल आ गए और ज़्यादा गर्म हो गया, ठंड हो लेते हैं भाई, हो रहा है गर्म, हम हो रहे ठंडे भाई। इसमें मिला लिया ना वो, बताना नहीं था क्या चीज़ इसके अंदर मिला तो लिया था पहले। सॉरी भाई, कुछ नहीं मिलाया हमने इसके अंदर, इसे कोल्ड ड्रिंक है। कैसा लगा ये नया फ्रूट? वापिस स्टेशन से हमने ले ली शेयरिंग टैक्सी, हम जा रहे हैं कनारा भाई, बता ये डालूंगा ऐसे कैसे तेरे दमन एंड दीव। हेलो गाइस, पहुंच गए थे दमन और साथ में हमारे चारों लौंडे, तीनों लौंडे, हम चार हो गए। और गवर्नमेंट कनेक्शन होने के कुछ तो फायदे होते हैं भाई। आ गए थे हमारे एक नौन यहाँ पे भी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो हमने रूम ले लिया, 3,000 का पड़ा है हमें रूम। और दिखाते हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री रूम भी था हमारे पास, लेकिन वो थोड़ा तो थोड़ा पैसा खर्च जाएगा, ये रूम लिया, रूम दिखाते हैं। तो ये हमारा रूम है गाइस, देख लो, स्विमिंग पूल है शायद, या फिर इधर है समथिंग, तो वही मुझे बताना, देख लेते हैं अभी लेटर। बाकी ओवरऑल भाई कैसा लगा बताओ? तो यार सुन मेरी बात, शॉर्ट्स लाए क्या अपन उसके लिए? फिर कैसे पूल बनाएंगे? शॉर्ट्स लाए अपन यार, शॉर्ट्स नहीं लाए, कोई आसपास शॉप तो खरीद ले, वही करना पड़ेगा, पूल में तो नहाऊंगा देख यार।
भाई। तो गाइज मतलब यहाँ पे ना पूल है, देख लीजिए आप, जो होटल के पीछे ही है। रूम और पूल और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सब बहुत प्यारा है। मैं इसका लोकेशन और नाम मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कांटेक्ट कर लेना इनसे। हम भी फ़ोन किया था पर हम डायरेक्ट आके बुकिंग किए हमने, तो आप जैसे चाहे से कर सकते हैं। ऑनलाइन भी थी इनकी बुकिंग्स पर अवेलेबल नहीं थी शायद, तो हम आ गए ऑफलाइन तो कर ली। अभी भूख लग रही बहुत तेज, तो कुछ खाने जा रहे हैं बाहर, तो ट्राई करेंगे नॉनवेज खा ले आज। कल तो रामनवमी तो नहीं हो पाएगा, तो आपको दिखाते हैं खाने के ढाबे पे, आसपास अच्छे ढाबे हैं। गाइस मतलब घोटा साइड हो तो कुछ ऐसा कि खाने के थोड़ा वॉकिंग करके जाना पड़ रहा है हमें। पास से कुछ रेस्टोरेंट है छोटे मोटे ढाबे वगैरह, तो जा रहे हैं वहीं पे। तो भाई बहुत अच्छी जगह है दमन, हमको रेस्टोरेंट भी अच्छा मिल गया। देखते हैं कि कैसा खाना मिलता है, रिव्यू देता हूँ आपको। ओवरऑल अब तक हमारी ट्रिप बेस्ट रही है। प्यारे प्यारे हमको दोस्त मिल गए, इनलिए खाना मंगा रहे हैं हम। ये खाना मांगना है, खाना ही नहीं भाई। बताओ कैसे हैं, खाते थी खाना भाई? ग्रेवी तो एक नंबर है भाई। तू प्रॉन्स खा के देख, तू जिंदा रहेगा तो फिर मैं भी खाऊंगा। क्या ट्राई कर, तो इसको खा ले। तू तो तेल खा सकते लगे, तेल नहीं खा सकते ना? तेरा क्या रिएक्शन है? मेरे को तो एक नंबर लगे, बहुत बढ़िया। तो रिकमेंड करता है तो यहाँ पे लोग आने के लिए इसका, ये खाने के लिए? वो इसको पूरा खाने के बाद बताऊंगा। ठीक है भाई, बता देना। ये शायद लीला ढाबा है भाई, बता। नॉन वेज खाना हो तो मत आ जाना, गलती से मत आना। दो कौड़ी का चिली चिकन, चिली चिकन ग्रेवी दे दिया रोटी के साथ। और प्राइस, प्राइस दो कौड़ी का। इसमें डोसा खाता हूँ, गुजरात अपने क्या बोल रहा है? प्यारी बंजर जमीन है भाई, गुजरात में भी तो यही मिला है का मिट्टी। मेरे को लगता है राम जी का तीर यहाँ पे आ गया, गिर गया राजस्थान में, नहीं आ पाया, गिर गया गलती से। पता नहीं कौन सा बीच का नाम तो मुझे पता भी नहीं है, बस घूम रहे हैं देव का बीच। तो अच्छा व्यू है भाई यहाँ पे, बहुत सही है। काफ़ी एक्टिविटी कर सकते हो आप, हॉर्स भी है यहाँ पे, साइकिल्स भी है देखो, और फोटोज भी खिंचवा सकते हो बहुत ज़्यादा। मतलब फोटोज में परफेक्ट है यार ये छोटी। अरे लाओ नहीं है भाई जाना, नहीं दमन पे दमन की गाड़ी खड़ी है। नहीं भाई बहुत, अरे अच्छी जगह है भाई, मेरे को तो मज़ा आ रहा है यार, प्लीजेंट सी है। कल तुम लोग कहाँ पे थे ट्रेन में, और आज तुम कहाँ पे हो? कल इसी रास्ते से जा रहे हो तुम इस टाइम, मुझे लग रहा है। अरे पानी भरता है इसमें, जब जब समुद्र बढ़ता है ना गर्मियों, सर्दी बारिशों में बहुत बढ़ता है भाई, यहाँ तक आता है पानी। छोड़ गिर जाएगा तो तेरे उसमें गाड़ी में देख लेना 200 मीटर। अरे पता है हमारे पास गाड़ी, हम देख लेंगे उसमें 200 मीटर सेट कर लेना। 200 बैठो, गोटी तुम बैठने, नहीं तुम दोनों जाओ ना। तो भाई तो भाई यहाँ पे मूड सवारी ले रहे हैं, गिरना नीचे छोरे हमारे, शादी शुदा नहीं अभी। अरे बना लेंगे हमारे पास, अरे अपनी बोतल उठा लेना, ये कचरा नहीं गिरना यहाँ पे। जब वीडियो बना के भाई आगे जसमीत, अरे घोड़ा भी लगा गया,
कितने ले रहा है घोड़े वाले? 100 रुपए रहा। अरे यार जब ले रहा था सुनी यार अच्छी आ रही है। अरे कहाँ कहाँ धीरे चला इसको। राइड ले रहे हैं हम ऊंट की, काफी बढ़िया राइड हो रही है। अरे लिया इनको वापिस, अब ऐसे दे दूंगा पैसे में, कहीं वहीं छोड़ आए फिर। सुमित वहीं छोड़ आए थे उनको। गाइस खाना खाने आ गए थे बाहर, खाना खाते हैं बाद से बात कल। ट्रिक है चावल की रोटी और ये सब्जी है, देखते हैं कैसा क्या रहता है। ठीक है भाई ट्रिप हो गई ख़त्म और काफ़ी अच्छा रहा हमारा ट्रिप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर होने कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ना। वीडियो खाना फ्री, ट्रैवलिंग फ्री, रहना भी फ्री था, लेकिन वो होटल में पसंद नहीं आया। और तो भाई हो गया हमारा स्विमिंग पूल का सीन और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने 2 बजे ट्रेन वापस बुक कर लिया तो उसे निकल जाएंगे और क्या होगा। ओके नाइट स्टे करने आए थे तरीके से, यहाँ पे खत्म हो गया यहाँ का। तो हम सारे बाहर आ गए और एक जलप्रा भी अंदर है और दिखा रहे हैं यहाँ पे कि हम राजस्थान से हैं। पड़ा पानी के अंदर, पानी गिर जाएगी ना तो पानी पानी जाएगा, पता नहीं चलेगा। मिर्चा कहाँ है तो भाई? ये होटल बहुत सही लगी हमें तो, एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा। मैं रिकमेंड करूँगा आप अगर दमन आ रहे तो यहाँ स्टे कर सकते हैं, थोड़ा अंदर है लेकिन ठीक है। कैश पैसे लेके आना, हाँ हमारा चॉपर का नहीं हो रहा, नहीं तो हम दू जाते पक्का अगली बार पक्का। तो हमने स्विमिंग पूल से बाहर चेकआउट करना है तो हमने 2 बजे ट्रेन कर ली, उसी से जाएंगे हम। क्या करेंगे रुक के, एक दो फोर्ट है शायद घूम लेंगे तो ना क्या मिलता। हम निकल गए हमारे होटल से, हाँ टैक्सी नहीं आ गई थी वो सर पीछे का, तो उसके टैक्सी मंगा ली हमने और दमन टैक्सी स्टैंड जा रहे हैं। लेकिन लिफ्ट रुपीज़ मांगे इन्होंने, देखते हैं और की टैक्सी नहीं है, और की टैक्सी 8 किलोमीटर ना। भाई हमने इतना सब ऑर्डर कर लिया, देख लो प्लेट के साथ पता लग जाए तुम्हें, और ऑथेंटिक गुजराती हमने नाश्ता किया, खाना नहीं है भाई ये ना, खाना तो बहुत हैवी आता है। मतलब नहीं था लेकिन हमने अभी मैं खा लिया ना। तो भाई हम तो रिकमेंड करेंगे जगह आने की, मैं लोग डाल दूंगा इसका भी, क्या नाम है पता नहीं। ना ना काका हो गया बस, बना दो बना दो बना दो। क्या नाम बताया सर? डाल देंगे ना ठीक है सर, ठीक है सर डाल। राजस्थान आओ कभी जयपुर, ठीक है सर। भाई ये नाम है
भाई मस्त था खाना ऐसे। कमर रह गया था ना, कमर सुमित ले, सुमित कमर रह गया था ना, खा ले, खा ले कमर भाई, खा ले कमर की सड़कों पे विद दिस लड़का। क्या कर रहा ब्रो? भाई तू कौन? अभी ट्रेन से उठ जाते फिर पकड़ लेंगे। अरे 3 दिन से ट्रेन में घूम रहे हैं, 2 दिन से सोए नहीं है। कल तो अच्छा सो लिए भाई, भाई रात दो दिन से सोए नहीं थे। तमन चर्च है और फोर्ट है उसके अंदर ही है, मतलब पूरा चर्च ही है। अभी तो ये एक्टिव चर्च है, चलना अंदर। हाँ कोई शादी वादी है? दमन में आ जाओ, लास्ट डे लास्ट टाइम, और उसी रूट से जा रहे हैं भाई। सबसे प्यारी जगह तो यही है दमन में। आई रिकमेंड एवरीवन टू कम हियर, जरूर आइए फैमिली फ्रेंड जिस साथ आ सकते हैं। हाँ मतलब कम भीड़ वाला और सस्ता गोवा। होटल्स काफ़ी अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे भी, देखो दमन एंड अच्छा किया अपन ने विद एस्कॉर्ट। क्या है मेरे में? मैं कुछ नहीं, मेरे में तब निकाल ले जो था जो मैं खाली। जैसे हमारी ट्रिप एंड हो गई, अभी हम बांद्रा जा रहे हैं। बांद्रा से थोड़ा घूम घाम के घर निकल जाएंगे। अच्छा हो रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा, कुछ इश्यूज हो गए अभी आते टाइम पर सॉर्ट कर लिए। अच्छे कॉन्टेक्ट होने के कारण, अभी नाम होने के कारण निकाल लिया हमने इशू भी, पर मेरा कुछ सामान रह गया गुजरात पुलिस के पास, इम्पोर्टेंट मेरा बैग खाली हो गया। एल्कोहल नहीं था, एल्कोहल नहीं था, एल्कोहल तो कंज्यूम करता भी नहीं हूँ मैं, पर मेरा एक प्यार रह गया वहाँ पे, तो कोई ना दे दिया मैंने, फालतू प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसलिए, नहीं तो और ट्रेन का टाइम हो रहा था। मेन बात तो ये थी यहाँ पे सीट कंफर्म ही थी हमारी इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में। तो अभी हम जा रहे हैं मुंबई वापस। 24 आवर का हमारा दमन का ट्रिप ख़त्म हो गया, काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया, बहुत मज़ा आया। होटल बहुत प्यारी थी हमारी, बहुत ज़्यादा प्यारी। उसका नाम था ब्रीज कैनबेरी, मतलब ब्रीजर कैनबेरी वैसा कुछ नाम रख दिया उन्होंने बंदों ने। ओवरऑल सही रहा सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, कंटिन्यू ब्लॉग आ जाएंगे ये हैं जब तक डालेंगे ब्लॉग्स को। तो बाय, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलना, एयर ड्रॉप कर दी।